डियर स्टूडेंट्स वेलकम ऑन आरसीआई ऑनलाइन पाठशाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 को मैं करा देता हूं। इसके बाद और जो भी क्वेश्चंस बचे हैं उन सबको आप अपने से करेंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिटरमिनेंट का यूज लेते हुए होंगे तो उन क्वेश्चंस को आपको छोड़ देना है और मैं आपको कमेंट कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आप ना करें। और उन क्वेश्चंस के अलावा आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं और एग्जाम्पल भी करने हैं। इस चैप्टर के बाद हम न्यू अगला चैप्टर वेक्टर पढ़ेंगे। तो देखिए वेक्टर में भी अपना 12.2 तो कंप्लीट है तो 12.3 स्टार्ट करेंगे। देखिएगा फाइंड द मैट्रिक्स ए वेयर दिस वन, हिंदी मीडियम के लिए बोल दूं कि अपने को आव्यूह ए ज्ञात करना है यदि ऐसा है तो। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक मेथड वो बताता हूं जो सब लोग करते हैं। आप ए है तो इसको ऐसा जूम कर लो A1, A2, A3, A4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना फिर इनको कर लेना 2x2 का एक मैट्रिक्स बनेगा और इससे कंपेयर कर देंगे चार समीकरण होंगे 4 इक्वेशन और 4 ही क्या होंगे अननोन और उनसे आप आराम से A1, A2, A3, A4 की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना और वो ही आपका ए होगा। वो तो है बहुत लेंथी मेथड है लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट काम करेंगे तो देखिए अब ध्यान से लेट ए अपने पास है तो अपन कहते हैं बी इक्वल टू 1, 2, 2, 3 और सी इक्वल टू 4, 7, 3, 5 हो गया। अब उसके बाद देखो नाउ कहने का मतलब सुनता आप ध्यान से ये आप बी बोल सकते हो इसको क्या बोलोगे ए ये क्या है सी और ये क्या है आपके पास आई आई मतलब इकाई आव्यूह आई क्या लिखा मैंने यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए अब आपको ए फाइंड आउट करना है तो अब ध्यान से देखना बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स। देखिएगा बी इनवर्स बी ए सी इक्वल टू बी इनवर्स ए और यहां से देखो बी इनवर्स बी क्या होगा आई ए सी इक्वल टू बी इनवर्स। क्लियर है क्योंकि बी इनवर्स आई करोगे तो आई तो कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है इसलिए हम क्या कर देंगे बी इनवर्स लिख देंगे। तो आपके पास क्या बना देखो आई ए सी है इसको क्या बोलोगे ए सी इक्वल टू बी इनवर्स। उसके बाद देखो अब क्या करें अब इसको हटाना है तो बोथ अगेन बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बाई सी इनवर्स बिल्कुल है तो ए सी सी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स तो ए आई इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। भाई सी सी इनवर्स क्या होगा आई और यहां से क्या होगा ए इक्वल टू बी इनवर्स सी इनवर्स। आपने यहां तक फाइंड आउट कर लिया अब हम इस पे बी इनवर्स और सी इनवर्स की वैल्यूज को रखेंगे और अपने आंसर को प्राप्त कर लेंगे। तो देखिएगा अब आगे अब देखिए आपने इसको नंबर क्या दे देना है 1। अब उसके बाद देखो नाउ बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। तो देखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी क्या होगा देखो आप अब इसको अपने मन से डिटरमिनेंट मानो यू डिटरमिनेंट समझो इसको तो क्या होगा 3-4। देखिए मैट्रिक्स का कभी भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं होता लेकिन मैं अपने मन में बोल रहा हूं कि ऐसा डिटरमिनेंट आया होगा तो 1 अपॉन -1 देखो 3-4 और एडजेंट ऑफ बी फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हो आप जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले इसके एलिमेंट्स को चेंज कर दो कर दिया और इनके क्या लगा दो -2 -2
हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद देखिए आप वन अपॉन माइनस वन क्या होगा, माइनस, तो इसको अंदर भेज दो, माइनस थ्री टू टू माइनस वन कंप्लीट। अब यानी सी में ऐसे लिख दो, सी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन सी और एडजॉइंट ऑफ सी, और ये क्या आएगा देखो, ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन यानी वन अपॉन माइनस वन, और इसमें क्या होगा, इन दोनों को चेंज करो मुख्य विकर्ण के अवयवों को, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को, और इसके क्या लगा दो, माइनस, और यहां भी क्या लगा दो, माइनस, हो गया। अब उसके बाद में आप ये सोल्व कर दो, वन अपॉन माइनस वन क्या होगा, माइनस वन, तो देखिए माइनस फाइव सेवन थ्री और माइनस फोर कंप्लीट। अब इजी हो गया, क्या कहोगे, वैल्यू ऑफ बी इनवर्स एंड सी इनवर्स पुट इन फर्स्ट वी गेट, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए ए इक्वल टू क्या था, बी इनवर्स सी इनवर्स है, आप इस वैल्यू को सीधा यहां लिख के आइए, माइनस थ्री टू टू माइनस वन और माइनस फाइव सेवन थ्री और माइनस फोर। अब आप इनको क्या कर लो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो और देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, बिल्कुल इजी है, केवल कैलकुलेशन है, इसके अलावा इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, और इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। इसके बाद हम जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे वेक्टर को, और 12.1 और 12.2 बहुत अच्छे से कर लेना आप, क्योंकि 12.3 स्टार्ट करूंगा मैं यहां पे, ये क्या होगा 15 और ये 15 और ये क्या हो गया प्लस 6 माइनस 21 और माइनस का 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन आपको आता ही है। उसके बाद क्या होगा माइनस 10 माइनस 3 14 प्लस 4। अब आप इसे देख लो, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, तो 21 माइनस 13 माइनस 29 और 18, और ये आपका क्या है आंसर है।